नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, रेलवे की MTS की वैकेंसी आ गई है। फुल नोटिफिकेशन RRC ने आउट कर दिया है और नोटिफिकेशन नंबर 02/2019 है ये। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि योग्यता क्या होनी चाहिए इस भर्ती के लिए, सैलरी कितनी मिलेगी, उम्र कितनी है और फीस आपको कितनी लगेगी। 16 अगस्त से दोस्तों ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है, इसलिए अब आप इसका इंतजार ना करें और ये ऑल इंडिया जॉब है, कोई भी कहीं भी हो इंडिया में अप्लाई कर सकता है इसके लिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल का वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे इस तरह के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन नंबर 02/2019 है। रिक्रूटमेंट ऑफ लेवल 1 मल्टी टास्किंग स्टाफ इन कैटरिंग यूनिट ऑफ कॉमर्शियल डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्दर्न रेलवे। और इसमें बताया गया है, ये 14 तारीख के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आपको ये वैकेंसी मिलेगी और इसका एप्लीकेशन जो है 16/9/2019 से शुरू हो जाएगा और जो क्लोज होगा वो डेट है इसकी 15 अक्टूबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। टेंटेटिव डेट जो रिटर्न एग्ज़ाम की दी हुई है वो 31 अक्टूबर के बाद की डेट है। 31 अक्टूबर के बाद कभी भी इसका एग्ज़ाम हो सकता है। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है और इसमें 94 पोस्ट हैं। लेवल 1 ऑफ पे मैट्रिक्स ऑफ 7th CPC, ये इसका लेवल है जो आपको पे स्केल मिलेगी। क्वालिफिकेशन, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 10th पास होना चाहिए आपको, ITI इन फूड बेवरेज एंड फूड गेस्ट सर्विस अंडर क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम CTS के अंतर्गत होना चाहिए, या फिर आप 10वीं पास हों और फूड एंड बेवरेज सर्विसेज हॉस्पिटलिटी असिस्टेंट मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल होनी चाहिए आपके पास, MES वाली, या फिर SDI अप्रूव्ड NCVT का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपने 10th पास किया हो और डिप्लोमा इन फूड एंड बेवरेज ऑपरेशन होना चाहिए आपके पास। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है इसके लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन है। अनरिजर्व पोस्ट कितनी है, 39 है, SC के लिए 14 है, ST के लिए 7 है, OBC के लिए 25 है, EBS के लिए 9 है, टोटल 94 है। फिर इसमें हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है, फिजिकल हैंडीकैप के लिए 3 है, एक्स सर्विसमैन के लिए 19, CCAA के लिए 19 पोस्ट है। तो दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कि जो दूसरी पोस्ट है इसके लिए 24 वैकेंसी है और इसमें जो डिग्री मांगी गई है, डिप्लोमा मांगा गया है, ITI मांगी गई है, वो यहाँ पे डिटेल्स में दिया हुआ है और इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के बारे में भी डिटेल से आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबके लिए अलग अलग वैकेंसी दी हुई है कैटेगरी वाइज। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे कि एज कितनी होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों, दो एज दी हुई है, 18 साल से 33 साल तक की एज दी गई है, लेकिन छूट है SC के लिए 5 साल, OBC नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट के लिए 3 साल और बाकी एक्स सर्विस मैन अगर इस कैटेगरीज के आते हैं तो सबके लिए अलग अलग यहाँ पे छूट दी गई है। अन्य लोगों के लिए भी छूट यहाँ पे दी गई है, आप अपनी कैटेगरी के साथ देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और यहाँ पे आपको छूट पता चल जाएगी कितनी एज में छूट दी गई है। एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करते हैं, एग्जामिनेशन फ़ीस जो यहाँ पर दिया हुआ है वो आपको 500 रुपीज़ दिया गया है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जिसमें 400 रुपये आपके हैं इसमें जो रिफंड होने हैं और जो आपको रिटर्न एग्ज़ाम में अगर अपियर होते हैं तो ये आपको 400 रुपये रिफंड हो जाते हैं। और जो SC ST कैटेगरी के लोग हैं और अन्य लोग जिनको छूट है, जिसमें वोमेंस भी हैं, माइनॉरिटीज़ भी हैं, PWBD है, एक्स सर्विस मैन है, ट्रांसजेंडर है, इन सब के लिए 250 रुपीज़ फीस है, जिसमें से बैंक चार्जेस काट कर बाकी पैसे आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप जिस अकाउंट से पेमेंट करेंगे उसी अकाउंट में आपका रिफंड जाएगा, इसलिए पेमेंट अपने अकाउंट से ही कीजिएगा तो आपके उसी अकाउंट में पैसा वापस जाएगा।
और इसमें जो है आपको दिया गया है प्रोबेशन पीरियड दिया गया है वो नॉट एप्लीकेबल है। इसमें प्रोबेशन पीरियड किसी भी प्रकार का इसमें एप्लीकेबल नहीं है। स्कीम फॉर रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट किस तरह से होगा, रिटन टेस्ट से रिक्रूटमेंट होगा इसमें केवल। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात की गई है, रिटन टेस्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको करवाना होगा और उसी से आपका रिक्रूटमेंट हो जाएगा। और यहाँ पे जो दिया गया है फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, पार्ट ए में एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, पार्ट टू में पेमेंट ऑफ फीस आएगी और पार्ट थ्री में आएगी अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी है। फिर आपको ऑनलाइन पेमेंट की प्रिंट निकालनी है और एप्लीकेशन डिटेल्स का प्रिंट निकालना है। ये दो प्रिंट निकालना भूलिएगा नहीं, ये मत सोचिएगा कि हमारा फॉर्म फिलअप हो गया पहले ही, इनकी ज़रूरत पड़ती है बाद में भी। तो दोस्तों ये थी पूरी डिटेल्स इस वैकेंसी की। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद, इसको अप्लाई कर दीजिएगा आप लोग और इस तरह की वीडियो आपको चैनल पर मिलते रहेंगे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।